रेलवे भर्ती बोर्ड ने ALP टेक्नीशियन के लिए होने वाली भर्ती के लिए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल टेस्ट के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। सफल उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2019 तक चलेगा। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की तारीख के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbald.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया मेडिकल एग्जाम रेलवे अस्पताल सुबेदारगंज प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई तारीख के हिसाब से टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जो भी सर्टिफिकेट उम्मीदवार दिखाए वे सभी निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होने चाहिए। उम्मीदवारों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। RRB ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त और रद्द कर सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को 6 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो लाने की सलाह दी जाती है जो 1 महीने से अधिक पुरानी ना हो। उम्मीदवारों को CBT 1, CBT 2 और CBT 10 मई 2016 या 21 मई 2019 के लिए ईकॉल लेटर भी ले जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट फीस के रूप में 24 रुपये का भुगतान करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट की तारीख और समय बता दिया जाएगा। मेडिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जारी किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना सामान रेलवे अस्पतालों में ना लाएं क्योंकि उन्हें रखने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वे केवल मेडिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड और एक फोटो ID प्रूफ लेकर जाएं। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे मेडिकल एग्जाम के समय अपने साथ कैश न ले जाएं। रेलवे ने नोट जारी करते हुए उम्मीदवारों से कहा है कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो उन्हें झूठे नौकरी के वादों से गुमराह कर सकते हैं। RRB परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है।